गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ सर, 3 बज गए ना. गुड मॉर्निंग बड़ी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. शिव मनोहर ठाकरे. शिव मनोहर उत्तमराज झिंगूजी गणूजी ठाकरे. हैं? दोबारा बोलना. शिव मनोहराव उत्तमराव झिंगूजी गणूजी ठाकरे. ये कितने लोगों के नाम है? फादर, ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर उनके और उनके ग्रैंड. हाँ. आपको अंधेरे से डर लगता है? हाँ सर. क्यों सर? अंधेरा पता नहीं, बट हम 2 नंबर भी जाते हैं ना तो अरे घर पे सर ऐसा जॉइंट नहीं है, ऐसे दूर है थोड़ा, बीच में बहुत है. तो रात को 2 बजे आई ना तो मम्मी को आवाज दी, मम्मी खड़ी रहती है, मैं अंदर जाता हूँ, फिर कोई आवाज है मम्मी, बोले मैं हूँ खड़ी, कर तू बराबर आराम से. सर बट अभी ना हमने एक न्यू घर लिया है, उसमें जॉइंट है, सबसे ज्यादा मुझे वही पसंद है. ही मतलब बेडरूम के बाजू में जॉइंट है, वही के वही जाओ लाइट भी लग जाते, उसमें लाइट ही नहीं था. कहाँ पे रहते हो आप? हम अमरावती में, जयवट नगर में, वापस लव एरिया में घर था, अभी जो न्यू लिया वो अच्छा है. क्या करते क्या है? अभी मैं सभी काम करता हूँ, बट अभी फिलहाल डांस कोरियोग्राफी करता हूँ, संगीत और इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ. बट पप्पा का पांडिल है. क्या है? पान बनाने का. तो वो भी बैठता था, बट अभी दीदी भी बैठती थी, अभी दीदी लेक्चरशिप करती है. तो हमने सर पहले ये भी पेपर, न्यूज़पेपर भी दीदी और हमने भी बेचे, उसके बाद दूध की जो पैकेट्स आते ना वो भी बेचे. इन सब चीजों में आपने बॉडी कैसे बना ली? अभी डांस क्लास चलता है मेरा अच्छा खासा, मतलब 10-20-22 हज़ार मिलता है, घर पे भी देता हूँ और खुद पे भी खर्चा करता हूँ. ताली. ये और दीदी की शादी के लिए भी जमा करके रखा है. आजा थोड़ा 2-3 स्टेप दिखा दे फिर. ये जो 3 मतलब बजे डांस अभी तक किसी ने सब जजेस को अपनी उंगलियों पर नचाया नहीं, पर आपने क्या कर डाला सर? जानी मतलब भज्जी को आज तक सिर्फ एक ही इंसान ने नचाया है और उनका नाम है कौन? गीता जी. हाँ. ओ, नहीं, नहीं, मैं वैसे बहुत नाचता हूँ. अच्छा. 26 साल के हो? हाँ सर. शादी कब मनाओगे? सर शादी का कंसेप्ट नहीं है सर. क्यों? सर पहले हम बहुत बड़ा फेम वेम कमाना, नाम कमाना है, बस वही करना है. ये फेम जो है आपको कौन से करियर में चाहिए? सर मैं विलन विलन कोई भी काम करूंगा, फेस तो विलन वाला है ही सर मेरा. अरे सर मेरी बोला किसने कहा? आप जब से आए हो ना एक प्यारे बच्चे लग रहे हो. विलन के ऑपोजिट लग रहे हो. सर बट एक दोस्त है मेरी, वो अभी उसका हम फिल्म भी आ रहा है, तो उसने बोला था कि तुझे एक मैं रोल दे दूंगी तो दे दूंगी, विलन वाला दे दूंगी, मैं हीरोइन रहूंगी. तो बोले हीरो वाला नहीं, वो दूसरा करेगा. बोले तू विलन शक्ल दिखाओ विलन वाली, 2-3 विलन वाले डायलॉग बोल के दिखाओ, पता भी लगे कि आप रेडी. आईच्या गावात त्याच्या आता पैसे दिले नाही ना तू, तुझ्या घरी येऊन 2 चमाट देतो तुला मी. पक्का दे रे वाजू रे, याला 2 दिवस सांगितलं तुम्ही पैसे दे म्हणून. दिले पक्का वाजू रे. वो ऐसा है कि वो 500 और 1000 के डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में नहीं थे भाई. अच्छा दे देगा, पुराने नोट है, दे देगा दे देगा. अच्छा रोडीज कब से देख रहे हो भाई? सर मैं 8-9 से देख रहा हूँ, उसके पहले सर केबल नहीं था. सर पिछले बार पूना में हुआ था, टॉप 16 में था मैं, बट वो स्टैंड बाय में था सर, ऐसा आया लाइन तक और चला गया. अभी सर मम्मी ने दिया भी अभी तक जला रही है, मतलब अभी दिया जलाती है, बोले भगवान के पास अभी तो तू सिलेक्ट हो जाएगा. सो स्वीट. टी शर्ट उतारो. हाँ पुल अप्स करो. कर लेगा, 15-20 सेकंड रुकेगा नहीं. ओ नाइस नाइस नाइस. चलो आगे आ जाओ. हाथ नीचे, पैर इन दोनों डंडों के ऊपर. इसको मैं पूरा वर्कआउट स्टेशन बना दिया मैंने. चलो बार बार इस फ्लोर को किस करो, चुमी दो. वेरी गुड. 1-2 मानना पड़ेगा. 3-4-5 जय महाराष्ट्र. 6-7-8-9 लास्ट 10. बिना चोट का आराम से नीचे आओ. वेरी गुड. अभी हमें 10 सेकंड दिए जाएंगे.
सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आपकी मम्मी ने जो घर पे दिया जलाया हुआ है वो काम आ गया। क्या बात है, माँ का प्यार होता है ना तो सब ठीक हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरी गैंग में आओ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे हैं। बड़ी कठिनाइयाँ देखी हैं लाइफ में, फिर भी मुंह पे एक स्माइल है, और आपकी सिंप्लिसिटी जो है ना वो उसका आज मैं फैन हो गया हूँ। वाओ, मेरे को तुम में सबसे अच्छी बात है, बात पता क्या लगी, तुम दिल के इंसान हो। अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम में से बेस्ट निकालूँ। चाहे मेरे गैंग में आप आओ या ना आओ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप रोडीज पे हो, दिया जल रहा है। बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, हाँ सर, आपकी जो ताकत है वो ये कि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे युद्ध हैं वो जीत लिए हैं। हाँ सर, चाहे वो अंधेरे में जाके नंबर टू करना था, या चाहे वो पेपर बेचना था, या वो पत्ते बेचने थे, या वो पान की उस पर बैठ के, अभी आप एक ऐसे घर में हो जहाँ पे अटैच टॉयलेट है, और ये तरक्की आगे चलती रहेगी, राइट? हाँ सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये तरक्की रोडीज पे जब तक हो मेरे साथ करो, मेरे गैंग के साथ करो। अब मैं बोलूँ सर? जी बोलिए सर। पहले तो मैं जिनके भी टीम में जाना चाहता हूँ ना, हम सब साथ में ही रहने वाले आगे पीछे कार के तो सर मम्मी को पता क्या है मैं कि सर के टीम में जाना चाहता हूँ। हम जानते थे। हाँ सर, हम जानते थे, हमें मालूम था, आपकी नजरों से हमें मालूम था कि आप रणवीर जी की टीम में ही जाना चाहते हैं। लेकिन सर, ये ऐसे हो रहा है कि कब निकालूं और कब। और सर आप जो भी करोगे ना, मैं आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगा। मराठी माणसा का वादा है सर। X2 के बाद ये पहली बार है कि भाई फिर रोए हैं किसी कंटेस्टेंट के लिए। एक वो एगी, तुमने वो कर दिया यार जो मैंने 2 सालों में नहीं देखा। बाहर निकलते रात को 3:30 बजे आई आई, सगड़े सर लोग आए थे। नमस्कार आंटी। नमस्कार। आपका बेटा सेलेक्ट हो गया रोडीज पे। अच्छा हो गया। आई आपने जो दिया जलाया था ना वो काम कर गया आज आपके बेटे के लिए। चलो सोने दो बेटा। चलो ध्यान रखना अपना। क्या हो गया रान? बोल रहा था ना कि टफ है, सबसे ज्यादा बड़ा सॉफ्टी है ये जो भाईजान ही हमने। पर एटलीस्ट लेट्स हियर हिम आउट, व्हाट हैपेंड? I can't believe that people think about us like this. हम चिचोरे हैं हम लोग। चिचोरा नहीं है तू, हीरो है इनका। हीरो हीरो चढ़ता बढ़ रहा है। Then I would have also come into your gang. पाजी बस पाजी पादर वादा पाजी। मैं क्या, मैं सोने को आया हूँ तू रोने को आया है।